वाला दिन जिस दिन श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर सिलसिलेवार 8 धमाके हुए। श्रीलंका में हुए अब तक के सबसे विध्वंसक सीरियल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 290 पहुंच गई है। साथ ही इस हमले में 450 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसमें कई की हालत गंभीर है। सीरियल ब्लास्ट की जांच कर रही श्रीलंकाई पुलिस अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हमले के बाद अफवाहों से बचने के लिए एहतियातन पूरे देश में सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया था। गृह युद्ध के बाद बीते 10 सालों से शांत रहने वाला यह द्वीपीय देश रविवार को सीरियल धमाकों से दहल गया। आपको बता दें कि अधिकांश धमाके राजधानी कोलंबो में हुए हैं। इस हमले पर भारत भी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से फोन पर बातचीत की और आतंकवादी हमले को क्रूर और सुनियोजित बर्बर आतंकी हमला बताया। पीएम मोदी ने कल ही कह दिया था कि वो भीषण हमला झेलने वाले पड़ोसी मुल्क के साथ मजबूती से खड़े हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर नजर भी रखी जा रही है। इस हमले के पीछे किसी चरमपंथी संगठन का हाथ माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सवाल तो ये है कि इन बम धमाकों के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्यों इन बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। कब तक ऐसे ही खून खराबा चलता रहेगा, कभी भारत में तो कभी दूसरे देशों में। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कार्रवाई कब तक करेगा।